मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये आपका ये जो है स्टीमर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत, ये बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ सीधो ही हो सकता है। अच्छा। जैसे ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, जैसे ना ये वाला, जैसे हीटर होता है ना, हीटर साइड इफेक्ट करता है, इससे ऐसा नहीं होता है। ऐसे बातचीत ज्यादातर हमारी किचन में ही होती है, फैमिली जैसे अपनी फैमिली बैठ गई सब अपना। पानी इस पे जरूर रखना पड़ता है, जैसे ना ठंडा पानी रखते ना इस पे, फिर ज्यादा हीट का असर नहीं होता। अच्छा। जैसे ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, जैसे ना ये वाला, जैसे हीटर होता है ना, हीटर साइड इफेक्ट करता है, इससे ऐसा नहीं होता है। ओके। तो ये जब आप निकाल लोगे तो इसमें से बारिश का पानी नहीं आएगा अंदर? नहीं नहीं, वो ऊपर छत पे है ना, जैसे ऊपर पैकिंग दी होती है। अच्छा। वहाँ पे बनाया ऊपर, ऊपर है नहीं, ऊपर पे उस पे भी सीधा वर्षा दे रहा है, तो मैं जो मैं धुआड़ो निकल दो तो। अच्छा, खाली पाइप एडजस्ट करे छे। ओके, चिमनी जो बराबर। तो स्टफिंग तरह तरह की हो सकती है, तरह तरह की, सबसे बेस्ट वाली यही है। तो ये आप जैसे मतलब त्योहार में कुछ खास हो तभी बनाते हो या ऐसे जब मन किया तो? अच्छा अच्छा, मतलब ये स्पेशल जैसे कई कई आइटम क्या है हमारे दिवाली में ही बनती है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, वैसा सर्दियों में ज्यादा होती है, सब ये एक महीने में बनती है, स्पेशल एक दिन तो जरूरी बनानी पड़ती है। अच्छा, फरवरी में और घी के साथ। अच्छा, जैसे आपके दिवाली को होता है ना, जैसे साल में एक बार, वैसे हमारे भी होता है। और ऐसा हम है ना, वो हम हाँ, या तो फिर कुकरा बोलते हैं, वो स्वीट रहता है हमारा अंदर। हाँ, हम वो टोपरा को क्या बोलते हैं आप, नारियल, ड्राई नारियल होता है ना, उसमें थोड़ी हाँ शक्कर डाल के, मतलब पीसी हुई शक्कर डाल के, फिर उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह, फिर सोजी थोड़ा डाल दिया उसको, हाँ थोड़ा सोजी डाल के, फिर या तो फिर आप मावा भी डाल सकते हो, दूध का मावा, फिर वो थोड़ा शेक के वो स्टफिंग करते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो बाहर का जो ये जो आटा रहता है ना, वो ज्यादातर मैदा रहता है। इसको खाया किसके साथ जाता है? चटनी, घी। अच्छा, और कुछ भी सॉस में दे दो आपको। अच्छा, ओके। जैसे जैसे आपका, ये आपका स्टीमर भी अलग है। अच्छा अच्छा, सिद्धू मेकर ही बोल, हाँ वो मोमो भी इसी टाइप पे बनते हैं। ये जो पीनट रहता है उसको शेक शेकना पड़ता है। हाँ, शेक के फिर क्रश करते हो, उसको ग्राइंड किया है ना। इसमें लहसुन भी डाला है। अच्छा, प्याज डाला है, मिर्च डाली है, तो वो सारा क्रश कर दिया सारा। प्याज को भूंजा कि नहीं ऐसे ही? नहीं ऐसे। अच्छा, कच्चा ही। अगर हम इसमें ईस्ट ना डाले तो उसका कोई ऑप्शन है? नहीं नहीं, मतलब अगले अगले दिन पत्थर की तरह नहीं, अगले दिन अगर अगले दिन बांध के रख दे तो दो दिन तक, हाँ जब तक फूल जाएगा तो एक दिन में फूल जाएगा तो बना सकते हैं। वैसे भी होता है, बस कल आटा फूल जाए बना रहे। तो आप जो बताना चाहो वो बोल सकते हो। अच्छा, ये फीलिंग्स कौन सा है? ये पीनट वाला। पीनट मतलब कच्चा पीनट ना, कच्चा पीनट, और फिर उसको ग्राइंड किया है आपने? पहले थोड़ा सा ना फ्राइड कीजिए उसको ना। हाँ। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ग्राइंड कीजिए, फिर सिंपल ही है, प्याज नमक मिर्च। अच्छा, इसमें आलू, आलू का मावा पड़ता है? नहीं, आलू वाला अलग से बने। अच्छा, इसमें सिर्फ ये पीनट वाला है? पीनट ही है, और ये आटा है, चावल और गेहूं का मिक्स है। अच्छा, ये चावल और गेहूं मिक्स है। अच्छा, हम लोग को चाहिए मैदे जैसा? नहीं जी, मैदा नहीं। अच्छा, तो सिद्धू में मैदा यूज नहीं होता? नहीं, हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग आटा यूज करते, हम लोग खुद भी खाते हैं। अच्छा अच्छा,
तो ये किस किस टाइप के सिद्धू बनते हैं? पीनट का बनेगा, आलू वाला बनेगा, अखरोट वाला बनेगा। और ये स्वीट आएगा कि मसाला वाला? मसाला वाला। तो स्वीट सिद्धू भी होगा? बट गुड़ लगेगा, गुड़ और घी डाला जाएगा। ओके ओके। अच्छा, और गुड़ और घी और ऐसा सब उसमें स्टफिंग डाला? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ गुड़ और घी आएगा। दो ही आएगा? हाँ जी, दो ही आएगा। और अभी आप इसको स्टीम करोगे? हाँ जी, 20 मिनट लगेगा। अच्छा अच्छा, तो इसको फ्राई भी नहीं करते, खाली स्टीम ही करते? ये प्योर हेल्दी है, घी और चटनी के साथ खाते हैं। प्रोको वाली चटनी होगी और देसी घी होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये हम लोगों का ना घर का खाना है, तो हिमाचल, ये कुल्लू का डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू का होगा। वैसे शिमला में भी मिलेगा, बट वो गोल मिलेगा, ऐसे वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो आप नमक करते हो, लोट जो मतलब ये करते हो, तो उसमें आप, हाँ आटा, उसमें ये यीस्ट डाल के अगले दिन करना पड़ता है कि नहीं? थोड़ी देर रखिए आप ना, आपकी तो गर्मी, आपके हाँ, जल्दी हो जाएगा, तो उसमें ही आधा आ जाएगा। हाँ, हाँ, हम लोग थोड़ा सा पहले रखते हैं, हमारी ठंड हो गई है। बराबर।